हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है विक्ट्री डे विथ बुबरगा महाराजा प्रोजुत विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा। ये वीडियो का टाइटल है। पूरा टाइटल तो नहीं दिख रहा है मुझे, इससे आगे डॉट डॉट है। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि विक्ट्री डे का ये वीडियो है एडीसी इलेक्शन में। हेलो एवरीवन, भाई तो मैं अंग ब्लॉक से है बालों का सो तीनी पहले से है मैंने बोबा ग्राना पहुंचे चुके हैं ना बागे ही मुखाई रोंगशील जंग मानो मारूं था का ये सबसे पूरे काम पाई तो हम पूरे सेलिब्रेशन में हम पूरे चीन डांस में सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है। यंग हाफ ऑफ द मेंबर फैजा ब्यूटी पर्सन है मारका सेलिब्रेशन ब्लॉग वीडियो है चली तो बट हम लोग पाए तो पाई तो को मार लाए थे सिनिस माले बाइनो इनको मैंने बड़े कहानते बड़े हम था वाला सा रॉयल सैन के साथ बहुत बार देखा है। इनके इनके भी ब्लॉग वीडियो है मैम के, बहुत ज़्यादा डांस किया था उस दिन सब लोगों ने। मैं बहुत सारे वीडियोस देखे और एक वीडियो मैंने डाला भी था, बहुत छोटा था उस वजह से उस पर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट वीडियो ही अपलोड कर दिया। और जितने लोग प्यार कर रहे हैं हम लोग हमारे चैनल को हमें भी, वो देख के मैं भी कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। पूरे बिक चुके प्रोजेक्ट सर फोटो रही रहा ना बिकज भिडियो तो शूट खाना नहीं पसिबल नहीं बिकज मालाई पक्स खाई तो मैंने सो हेको ना तीन ब्लॉग पाई रिया मसाला लगे ना खो बच्चा गाड़ी में सॉन्ग लगाए ओ
मेडिया मोबाइल भाई मेडिया मोबाइल भाई आओ दियो दिखाइ दो दियो दी अच्छा I am shooting vlog, okay? What is this? What happened? Since the problem and bagay, also Rituk suka. Acha. Orang berakar tak Rituk kami amali ya, gitu. Iko. Kalau kamu biang kemai cha rasa. Oi, dara usah payza. Pura kok bro. Film industry वहाँ पे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो कमाल का. सब लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे. प्रोड्यूस सर से भी मिले. वो इतने इतने डाउन टू अर्थ इंसान है. इतने अच्छे इंसान है प्रोड्यूस सर. वो हर किसी से एकदम आराम से मिलते, हर किसी से बात करते और सब कोई भी जाके उनको मिल सकता है. ये बात देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोक ब्रुक त्रिपुरा फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे लोग वहाँ पे गए. उन लोगों ने एंजॉय किया, सर से मिले. उसके बाद बाहर जो पहले से उसके बाहर डांस किया, एंजॉय किया सब लोगों ने. और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सर भी बहुत ज़्यादा खुश थे. उनको देख के भी बहुत मज़ा आया. और ख़ास बात उनके पॉलिटिक्स की, उनके सोच की ये है कि वो सब लोगों को साथ में लेके आए. और अभी भी चाहते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं वो भी उनके साथ आए. और जो भी असेंबली का इलेक्शन है उसमें भी वो ऐसे ही सब लोगों का यूनिटी बना के सब लोगों को साथ लेके इलेक्शन में जाए. ये सबसे अच्छा है उनकी सोच. इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं हमेशा जो उनके सोच को सपोर्ट करता हूँ. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि वॉयलेंस ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती है. इन चीज़ों को आपको थोड़े दिन में अच्छा लगेगा पर थोड़े दिन बाद आप समझेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ख़तरनाक होते हैं. पर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी डिमांड को आगे करना चाहते हो तो यूनिटी सबसे बड़ा हथियार यूनिटी है. और आप यूनाइटेड रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं हरा पाएंगे. एक एग्जांपल EDC का इलेक्शन है जिसमें प्रज्योत किशोर सर ने सबको दिखा दिया. कल उनका एक वीडियो मैंने जैसे अपलोड किया है, जैसे उन्होंने न्यू दिल्ली को मैसेज दिया, वो 2 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया. उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा है. और आप सब लोग साथ में उनके साथ आए और सब लोगों ने उनको उन पर ट्रस्ट किया. इस वजह से मुमकिन है. और आगे भी आप जब भी आपका कोई भी डिमांड हो, जैसे सर भी हमेशा बोलते हो, प्रोड्यूसर हमेशा कहते हैं कि पीसफुली और डेमोक्रेटिक जो राइट है उसको यूज़ करते हुए प्रोटेस्ट करें, डिमांड रखेंगे तो हम हमेशा उसको अचीव कर सकते हैं. मैंने उनके स्पीच में सुना ही है. वायलेंस को सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं करते. जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी कहा कि हम वायलेंस नहीं करेंगे. जैसे उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा. मैं हमेशा वही कहता हूँ कि आपका आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकता है, आप एक दूसरे के आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते हैं, वो बात अलग है. आप एक दूसरे की सोच है उससे एग्री ना करते हो, पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बात करें ADC के इलेक्शन की तो सर ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं. तानसा यूनिटी सबसे बड़ा हथियार है, मैं फिर से कहता हूँ. और सर भी हमेशा कहते हैं, इसलिए मुझे उनकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और जिस तरीके से वो भाषण भी करते हैं और त्रिपुरा में जितना उनका रिस्पेक्ट किया जाता है, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि त्रिपुरा फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे लोग वहाँ पे थे. जैसे वो जाके मिले और बाहर इंजॉय किया और जैसे सर भी उनसे मिले, हमेशा वो उनके स्पीच में तानसा की बात करते और बड़े से लेकर बूढ़े तक लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो. आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. जय.